मैं तुम्हें गिनती के आपको चार पकौड़े ही दूंगी। पकौड़े? क्योंकि क्योंकि नहीं सकती, क्योंकि कपड़े इनके यहाँ पर है। एक खाली किस में है? चड्डी बनियान में। चड्डी बनियान में। फीवर है अभी? एक मैंने इसको फिर से अभी दवाई दी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है कल का ब्लॉग, जहाँ से मैंने एंड किया था कल, वहीं से मैंने फिर दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। तो ये है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पे घी के कोफ्ते बना रही थी। तो यहाँ घी घस रही थी मैं, तो पहले मैं छोटे वाले से घस रही थी, तो उससे मेरे से ना घिसा नहीं गया, बहुत छोटा लग रहा था। तो फिर मैंने ये बड़ा वाला निकाल लिया, फिर मैं इससे घिसने लगी थी, इससे फटाफट से हो गया था। तो पहले मैं उससे ट्राई कर रही थी, मैंने कहा क्या पता जल्दी जल्दी के चक्कर में ना काम और लेट हो जाता है, ऐसा होता है अक्सर। हम सोचते हैं कि ना इससे कर लेते हैं या ये काम कर लेते हैं तो जल्दी फटाफट हो जाएगा, पर हमारे सोचने से कुछ नहीं होता ना, जो काम जैसे होना है वो वैसे ही होना है। तो बड़े वाले से फिर हो गया था इससे फटाफट से, मैंने कहा छोटा सा घी है चलो इससे कर लेते हैं, पर नहीं हो पा रहा था, उससे प्रॉब्लम हो रही थी घिसने में। और इससे मैंने जो बड़े वाले से किया तो इसे फटाफट से घिस गया। तो यहाँ पे मेरा घिया घिस मैंने घिस लिया था। और ना अब इसमें से मैं पानी सारा निचोड़ लूँगी, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है काफ़ी, मतलब घिये में तो जैसे भी घिसोगे तो और ज़्यादा पानी निकलता है। तो मैं अब इसको इसका सारा पानी निकाल के तब इसके मैं कोफ्ते बनाऊंगी बेसन वेसन डाल के, क्योंकि पानी की तो इसमें ज़रूरत होती नहीं। इतना पानी निकालने के बाद भी ना आप बेसन डालती हूँ तो मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक बूंद भी पानी डालूं। और जो ये पानी है इसको फेंकूंगी नहीं, इसको मैं कोफ्ते की जब हम ग्रेवी बनाएंगे ना, मैं सब्जी जब बनाती हूँ ग्रेवी, तब उसके अंदर मैं ये पानी यूज़ कर लूँगी। जब पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है ना, तब ये पानी भी तभी डाल दूँगी मैं। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई ऐसी मतलब बिना पानी लगाए ही, बिना पानी निकाले ही पकोड़े बना लेता है, कोफ्ते बना लेता है, तो सबके अलग। पहले मैं भी ऐसी बना लेती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो इतना पानी इसके अंदर बचा हुआ है, तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं ऐसे बना लेती हूँ, है कि नहीं? और यहाँ पर मैं हरी मिर्च काट रही थी कोफ्ते के लिए, तो वो रुके भी खाए जाते हैं। जब हरी मिर्च पकोड़े में आती है तो मुझे बड़ी टेस्टी लगती है, सब्जी के अंदर भी वैसे भी। तो हरी मिर्च का मुझे टेस्ट है ना हर सब्जी में अच्छा लगता है, मतलब कि अलग ही इसका टेस्ट आ जाता है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। और बाकी इसके अंदर मैं पकौड़े में नॉर्मल मसाले, हल्का सा जीरा डालूँगी, लाल मिर्च और नमक डाल दूँगी। अब बस इसको मैं बेसन में इसको कर लूँगी, बेसन डाल दूंगी और बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी इसके अंदर ज़रा सा भी। और यहाँ पर देखिए मैंने बेसन डाल के पूरा घोल लिया और ये पानी इधर इधर रखा हुआ है इसके, इसका जो निकला हुआ था, और ये बिना पानी डाले। तो मैं अपने कोफ्ते ना आधे में ही छोड़ के चली गई थी लक्षायु को लेने, क्योंकि उनका टाइम हो गया था, 7 बज गए थे। लेकिन उनकी ट्यूशन वाले ने बोला है कि अभी आधे घंटे बाद आना लेने, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो काफ़ी लंग करा रही हैं, तो बोल रही थी आधे घंटे बाद लेने आना। तो मैं दोबारा जाऊंगी अभी 7:30-8 बजे करीब ही जाऊंगी अब मैं। इतने में खाना बना लेती हूँ, तो मेरे जो आधे बीच में रह गए थे कोफ्ते उन्हें कंटिन्यू करती हूँ। जल्दी काम ख़त्म होगा मेरा ही।
महाशय जी अब आ गए थे हमारे पतिदेव जी। पतिदेव जी मेरे आ गए थे ड्यूटी पे से जब मेरे कोफ्ते बन रहे थे, और आते इन्होंने मेरा फोन छीन लिया कि चल ब्लॉग्स में तुम बड़ा पतिदेव जी जी लगाती हो। मैं वैसे भी बहुत मैं रियल हूँ। जब मैं जी जी कहाँ चला जाता है और ये अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं इनके लिए जो मैंने पकोड़े बनाए तो मैं गिनती के आपको 4 पकोड़े ही दूंगी। क्योंकि घी की सब्जी बनेगी, कोफ्ते की सब्जी बनेगी, तो गिनती के 4 ही दूंगी आपको। चाहिए आपको एक और? बहुत है। अब वैसे भी ये इतने ही खाते हैं, 4 ही खाएंगे। चलो खा लो, खा के बताओ ना पकौड़ा कैसे है। ये हैंड वॉश अब खा के बताओ। सॉस सूख गया? रेड सॉस के साथ मुझे मजा आया, क्या तो ग्रीन पकौड़े मालकू है ना। आलू आ रहा है मुँह में, ना प्याज आ रहा है मुँह में। तो ये ना आलू के हैं ना प्याज के हैं, ये घी के हैं। बेसन बेसन खिलाया तो घी के हैं, तो घिया मुँह में नहीं आया। घिया तो नहीं आ रहा। अच्छा घिया नहीं आया। ये आदमी मैं कहते हूँ कि मेरी कभी दाली सिंगर ठीक है मत कहो, मैं लेके जा रही हूँ। मैं लेके जा रही हूँ। क्यों जब अच्छे नहीं तो क्यों क्यों खा रहे हो? कभी तारीफ नहीं करते कभी भी। तुमसे मैं बात नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से, यहाँ से जाओ, यहाँ से निकलो निकलो निकलो। देख लो ऐसे फोन पर लग जाते ना, आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे फोन में लग गए हैं। ये देखो इसने बनाई है घिया के कोफ्ते की सब्जी, एकदम लालम लाल ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोग बैठ के अब खाना खा रहे हैं। गाइस खाना इतनी मेहनत से मेरी बीवी ने बनाया है, और इसकी शक्ल देखो बड़ी टाइट टाइट सी लग रही है, तो मैं खाना कैसा भी बनाऊं बिल्कुल भी बुराई नहीं करने वाला हूं। तो मैं खाने की बिल्कुल भी बुराई नहीं करने वाला हूं, खाना जैसे बनाऊ सच बताऊंगा, खा लूं तब बताऊंगा। और बाय द वे हम लोग बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं बेड पे बैठ के क्यों खाते हैं। हमारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है। डाइनिंग टेबल नहीं है, सोफा है, सोफा के आगे टेबल पड़ी है, वहाँ बैठ के खा सकते हैं, बट वहाँ पे दो बंदे खाते तो फिर मजा नहीं आता, तो हमारे को सबको साथ में खाना होता है, तो यहाँ थोड़ा सा हम अच्छे से खा बेड पे हम बिछा के खाते हैं। बेड पे लोग मेरे ख्याल से 70% लोग बेड पे ही खाते हैं, जब वो कितने बड़े आदमी और थोड़े से यार टायर्ड हो जाते हैं, थोड़ा एक साथ सब बैठ जाते हैं, तो इसलिए हम खा लेते हैं। तो प्लीज यार गाइस थोड़ा माइंड मत करा करो, थोड़ी हमारी खुशी का भी ध्यान रखा करो प्लीज। हाँ ठीक है, और अब मैं खा के बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। वाह क्या ग्रेवी है, वेरी रेड रेड। खा के बताओ। खा के बताने लायक बचूंगा मैं हैं? क्या किया तुमने? ओहो ऊपर वाले को याद करना चाहिए खाना खाने से पहले। तो मैंने इसमें ऐसा कुछ मिलाया थोड़ी, वैसे याद कर रहा हूँ मैं कि हे भगवान तूने ही हमें भोजन जो आज प्राप्त कराया है उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कर रहा हूँ। ओके इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं इसको खाने के बाद। ठीक है खाओ तो सही। आ रहा हूँ। ऐसा बन सकता था तो कोई बात नहीं, चले। मैंने कहा ना ये आदमी मेरी कभी तारीफ नहीं करता, देख लिया। रियली बता रहा हूँ कसम से, ऐसा बन सकता। पर कैसा बना है? ऐसा बन सकता। तो बना कैसा है? तुम ही सोच लो। मतलब ऐसे बना है? नहीं ऐसा भी बन सकता था। ऐसा बन गया लेकिन, है ना? चलो कोई नहीं, मैं खा के देखती हूँ कैसा बना। अच्छा बनाए गाइस, मजाक कर रहा हूँ यार, अच्छा बनाए। ठीक है अच्छा बनाए, खा के देखते। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, और मैं कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि अचानक से कल आयु को फीवर हो गया, और फीवर एक बहुत तेज़ फीवर चढ़ा उसको, फिर दवाई तो उसको पिला दी थी लेकिन फिर उसको मॉर्निंग में फिर हो गया, और आज वो स्कूल भी नहीं गया, फिर भेजते कैसे, इतना गर्म हो रहा था। अभी भी तो दवाई खा के सो रहा है, लेकिन मुझे अभी लेने जाना है लक्ष्य को स्कूल से, तो देखते अभी कैसे करती हूँ, या तो इनको भेजती हूँ क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है लक्ष्य का, तो वो 9:45 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी आज, या ये रुकेंगे या मैं रुकूँगी ऐसा कुछ करते हैं।
और अभी ये कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हाँ जी अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि कपड़े इनके यहाँ पर है, ये खाली किस में है, चड्डी बनियान में, चड्डी बनियान में इसलिए नहीं दिखा सकती। ठीक है आयो आयो, तबीयत कैसी बेटा, फीवर है अभी एक। मैंने इसको फिर से अभी दवाई दी है तो अभी भी इसको फीवर है। आज मैं स्कूल भी नहीं गया। हाँ तेज बोलो। आज मैं स्कूल भी नहीं गया। हाँ मैंने बता दिया था आज आप स्कूल भी नहीं गए हो और ट्यूशन भी नहीं जाना। हाँ तो मैं आज ट्यूशन भी नहीं भेजूंगी क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो रही है इसलिए। आपका तो कल एग्जाम है बेटा, आपको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ मैं वो मैं बोल दूंगी, आप चिंता ना करो। ठीक है ओके मेरा राजा, अब सो जाओ, आप सो जाओ, रेस्ट तो करो। तो फिलहाल इसको मैं बोल रही सोने के लिए, देखो सोता है या नहीं सोता है, सो गया तो ठीक है, लेट जाओ जाओ जाओ। और अभी तो लक्ष्य भी रेस्ट कर रहा है लेकिन उसको भेजना भी ज़रूरी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, कल भी इसका एग्ज़ाम है। तो और मैं अब थोड़ा सा इसकी नहीं सो रहा है क्योंकि इसको अच्छे से मेरे पास ही लेट के सोता है तो मैं इसके पास अब लेट जाती हूँ। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे फीवर है लेकिन जवान, अभी भी इनकी चपड़ चपड़ चल रही है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।